अ वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर डियर यंग लर्नर्स. हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया और फ्रेशली बेक्ड एपिसोड फ्रॉम एडवेंचर्स ऑफ सुपर बर्नी एंड मिस एम. हमारा थीम है फ्लावर्स, एपिसोड नंबर 3. आज के दिन यानी कि ऑन द थर्ड डे ऑफ द एडवेंचर वी लर्न अबाउट लैंग्वेज. लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज. और आज के दिन हम लोग रिविजिट करने वाले हैं लेटर्स जे के एंड एल, और साथ ही हम लोग कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे फ्लावर्स के बारे में अपने दोस्त सुपर बडी और मिस एम के साथ. सुपर बडी और उनके दोस्त पार्क में लुका छिपी की गेम खेल रहे हैं, और सुपर बडी अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं 1 से 20 तक गिनती कर रहा हूँ और तुम लोग सब छुप जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये मैंने तुम्हें ढूंढ लिया. अरे रुको, ये तुम्हारे कंधे पर क्या गिरा है? ओ ये फूल है, ऊपर पेड़ से गिरा होगा और क्या. अब दोस्तों आप तो जानते हैं कि सुपर बडी की नज़र किसी चीज़ पर टिक गई और उनका क्यू मीटर लो हो गया तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा एडवेंचर ऑफ द डे. अब सुपर बडी अपने सब दोस्तों का ध्यान इस चीज़ की तरफ आकर्षित कराते हैं और कहते हैं कि दोस्तों क्या तुमने ये नोटिस किया कि हमारे पास पास बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन पर फूल हैं. मैंने तो आम तौर पर देखा है पेड़ों पर पत्ते या फल होते हैं, ये फूल कहाँ से आए? अब इस पर मिस एम कहती हैं, लगता है तुम्हारा ध्यान अब इन फूलों पर पड़ गया है सुपर बडी, और तुम अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में और जानकारी एकत्रित करनी चाहते हो. क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल मिस एम, आपने एकदम सही कहा है. ये देखिए हमारे पास आसपास इतनी भरमार है फूल वाले पेड़ों की, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इसके बारे में? हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन चालू करें अभी. हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी. जिन जिन दोस्तों ने नहीं बोला है उन्हें हम एक बार फिर रिमाइंड करा दें कि अगर आप हमारे साथ इस एडवेंचर पर चलना चाहते हैं तो ये मंत्रा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मंत्रा बोलने के बाद हमारी क्यूरियोसिटी की सेंस एकदम जागृत हो जाती है और हम नई नई चीज़ों को सीखने लगते हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये बोलने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिस एम और सुपर बडी इसके बारे में क्या कर रहे हैं. अच्छा सुपर बडी, चलो शुरू करते हैं. अब बताओ तुम इसके बारे में क्या जानना चाहते हो, फूल वाले पेड़ों के बारे में? मिस एम, मैं ये देख रहा था कि सारे पेड़ों पर फूल नहीं होते हैं, कुछ पेड़ों पर पत्ते होते हैं, कुछ पेड़ों पर फल होते हैं, और क्या सारे फूल फल बन जाते हैं, ये बताइए ना. सुपर बडी, कुछ पेड़ जिन पर फल होते हैं वो फूल बनते हैं, जैसे कि आम, केला, अमरूद, लेकिन सब पेड़ ऐसे नहीं होते हैं. कुछ पेड़ सिर्फ सुंदर लगने के लिए ही फूल देते हैं, जैसे कि अमलतास. मिस एम, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सिर्फ पौधों के फूल ही फल और सब्जी बनते हैं या पेड़ों के भी बनते हैं? कुछ पेड़ों के बनते हैं, सबके नहीं सुपर बडी. जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, कुछ फल वाले पेड़ होते हैं, कुछ सुंदर दिखने के लिए, सिर्फ हमारी आसपास की वातावरण को खूबसूरत बनाने के लिए फल नहीं फूल देते हैं. ओ वाओ मिस एम, मेरी क्यूरियोसिटी को तो आपने एक सिंपल से जवाब के साथ शांत कर दिया, लेकिन अब मेरे मन में एक और विचार आ रहा है. मिस एम, क्या हमें फूलों को तोड़ना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फूलों को तोड़ने से उनको चोट पहुँच सकती है. सुपर बडी, तुम बहुत ही दयालु हो और ये विचार भी बहुत अच्छा है. हम लोग फूलों को दूर से देखकर उनकी खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं. यू नो वी कैन जस्ट फील जॉयस लुकिंग एट फ्लावर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. ओ दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जैसे मिस एम ने हमें अभी ये बताया कि हमें दूर से फूलों को देखकर उनका आनंद उठाना चाहिए, क्यों ना हम लोग बैठें, अपने स्नैक्स खाएं और खूबसूरती, इन फूलों की खूबसूरती का आनंद उठाएं. वाओ व्हाई नॉट. देखो मेरे पास हैं तुम्हारे लिए कुछ जूसेस, कुछ जैम सैंडविचेस. मिस एम, मैं कहता हूँ कि हम अपनी ब्रेक ख़त्म करने से पहले खाएंगे जेली बीन्स.
बिल्कुल, चलिए शुरू हो जाते हैं और खाते हैं ये मज़ेदार स्नैक्स। अच्छा बच्चों, क्या तुमने ये नोटिस किया कि जो भी वर्ड्स हमने अभी तक बोले खाने पीने के, उनका नाम किससे शुरू होता है? मिस एम, मैंने नोटिस किया कि ये लेटर जे से शुरू हो रहे हैं। अच्छा चलो, अब इस एडवेंचर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक गेम खेलते हैं। अब कौन कौन ढूंढेगा लेटर के एंड लेटर एल, यानी कि साउंड क और साउंड ल से शुरू होने वाले वर्ड्स हमारे आसपास? चलिए जल्दी से जुट जाइए दोस्तों। हाँ मिस एम, देखिए आसपास हमें दिख रहे हैं कुछ क क काइट फ्लायर्स, और ये आदमी बना रहा है कुछ डिलिशियस क क कबाब्स, और जो कि वो सर्व करेगा क क केचप के साथ। मिस एम देखिए मैंने क्या ढूंढा, मैंने ढूंढे हैं क क किटन्स जो कि खेल रहे हैं इस ल ल लेक के आसपास। और दोस्तों मैंने ढूंढी है सबसे बढ़िया चीज़, अ ल ल लेडी बग जो कि खेल रही है ल ल लिजर्ट के साथ यहाँ पर। कहाँ पर, कहाँ पर? ल ल लॉन में। अच्छा दोस्तों, अब ये जो ल ल लैम्प पोस्ट है ये जल गई है, इसका मतलब हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए समेटिए सब कुछ और चलते हैं घर। मिस एम, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हैं? मैं जानता हूँ अंधेरा हो गया है और हमें घर जाना चाहिए, लेकिन मैं इन पिंक कलर के फ्लावर जो कि चेरी ब्लॉसम ट्री पर हैं उनको और देखना चाहता हूँ। सुपर बडी, हम लोग अभी घर चलते हैं और मैं घर जाकर तुम्हारी मदद करूँगी ऐसे ही सुंदर चेरी ब्लॉसम ट्री के आर्टवर्क को बनाने में। वाओ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है मिस एम। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते हैं। मिस एम, अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, प्लीज़ जल्दी बताइए ना कि आपने हमारे लिए क्या सोचा है। मैंने सोचा है कि हम लोग बनाएंगे चेरी ब्लॉसम ट्री और फ्लावर्स। उसके लिए हमें चाहिए वाइट पेपर, पिंक पेंट, ब्लैक पेंट, पेंट ब्रश और एक खाली पेट बॉटल। अच्छा मिस एम, हम कहाँ से शुरू करेंगे? दोस्तों आप पहले पेपर पर पेड़ की टहनियाँ बनाइए ब्लैक पेंट से, और फिर इस बॉटल के नीचे वाले हिस्से को पिंक पेंट में डिप करिए, और देखिए जैसा यहाँ दिखाया गया है वैसे उसके प्रिंट को इन ब्रांचेस के ऊपर छाप दीजिए। देखिए आपका खूबसूरत चेरी ब्लॉसम ट्री तैयार। वाओ मिस एम, ये आर्टवर्क तो बहुत ही सुंदर है और काफ़ी वैसा लग रहा है जैसा कि हमने पार्क में देखा था। थैंक यू मिस एम मेरा क्यू मीटर हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए और एक इतना बढ़िया एडवेंचर करवाने के लिए। क्यों दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आई यू थैंकफुल टू मिस एम फॉर दैट? वेल आई एम। केयरगिवर्स और लर्नर मिलकर प्लांट कर सकते हैं कुछ ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं, या ऐसे प्लांट्स जिन पर फूल आते हैं, और आसपास के प्लांट्स और ट्रीज़ को देखकर लर्नर के साथ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और प्लांट्स को एक बार रिवाइज करना ना भूलें। अच्छा चलिए, आज का हमारा सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ों पर फूल सारा साल होते हैं और कुछ पेड़ों पर नहीं, ऐसा क्यों? दोस्तों जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लें तो हमारे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा team@superbuddy.in पर। थैंक यू।